प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी के मध्य निर्मित विद्युतीकृत डबल लाइन सेक्शन राष्ट्र को समर्पित किया। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के स्वागत के लिए डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद रहे। इस मौके पर सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आज 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है, जिसमें रेलवे फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ना भी शामिल था। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से समय बचेगा और सड़क पर जो ट्रांसपोर्ट चलते थे वो भी अब कम होगा, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी और किसानों को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने इथेनॉल प्लांट को लेकर कहा कि हमारे जितने भी शुगर मिल हैं इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। अगले 2-3 साल में सभी शुगर मिलों पर इथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। हरियाणा में कम टैक्स के नाम से जो नई पैक्स शुरू होगी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके अंदर मेडिकल स्टोर, जन औषधीय केंद्र, सीएससी सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आदि खोल सकेंगे। तो सब क्या कहेंगे, आज एक बड़ी सौगात दी प्रधानमंत्री जी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया, और उसी उन्हीं परियोजना में एक रेलवे का प्रोजेक्ट भी था, जो कि हमारे रेवाड़ी से न्यू खुर्जा तक एक फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने का काम, जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने का काम करेगा। और ये बहुत बड़ा एक तोहफा दक्षिणी हरियाणा को, खासकर रेवाड़ी जिले को मिला है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इस विकास की कड़ी में एक नया प्रोजेक्ट और जुड़ा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से एक तो समय बचेगा, दूसरा जो माल ढुलाई के लिए जो ट्रांसपोर्ट हमारे रोड्स पर चलता था, सड़कों पर जो ट्रांसपोर्ट होता था, ट्रांसपोर्ट का जो लोड है सड़कों पर वो बहुत कम होगा, और इससे काफ़ी समय और पैसे की बचत होगी, और जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो कृषि से जो उत्पादन है उसको एक दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। मोदी जी ने आज इतनी बात करी है, तो आपका आगे का क्या प्रोसेस है, आप क्या योजना बनाएंगे? देखो, एथेनॉल प्लांट हमारा प्रदेश के अंदर भी एक शाहबाद शुगर मिल के अंदर चल रहा है, और बाकी अभी करनाल में भी माननीय अमित शाह जी ने शुरू कर दिया, पानीपत में भी शुरू कर दिया था, और आगे हमने सभी जितनी भी हमारी 10-11 शुगर मिल्स हैं उन सभी को क्लबिंग करके, बड़ी बड़ी जो 1-2 शुगर मिल्स को साथ मिला करके सभी शुगर मिल्स में एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट हमने तैयार कर लिया है, और अगले 2-3 साल के अंदर हम सभी शुगर मिल्स के लिए एथेनॉल प्लांट लगाएंगे। डॉक्टर, सहकारिता की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री भी बात कर रहे थे कि छोटे किसानों को खासकर लाभ मिलने वाला है, हरियाणा में किस तरह की योजना है आपकी जो कि छोटे किसानों को लाभ? देखो, जो नई पैक्स शुरू हो रही है, जो CM पैक्स के नाम से जानी जाएंगी, ये नई पैक्स होंगी, और ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए की जाएंगी। जो पहले वाली पैक्स वो भी चलती रहेंगी, लेकिन जो नई पैक्स है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंदर आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो, जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हो, CSC सेंटर भी खोल सकते हो, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खोल सकते हो, आप कोल्ड स्टोरेज भी खोल सकते हो, आप गोडाउन भी खोल सकते हो, इवन गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप भी ले सकते हो। तो एक बहुत बड़ा एक किसानों के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए एक अवसर मिलेगा, नई पैक्स बनेगी।